बता दें कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसे देवभूमि उत्तराखंड में भी शिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन उत्तराखंड के हजारों मंदिर फूल मालाओं से सुसज्जित रहते हैं। ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ इस दिन देखने को मिलती है। वहीं राजधानी देहरादून के सबसे पौराणिक मंदिर टपकेश्वर महादेव के प्रति लोगों की आस्था देखकर हजारों की संख्या में शिवरात्रि के दिन श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन करने और उनको फल फूल जल दूध समर्पित कर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम लोग तो डेढ़ महीने से लगे मंदिर आस पास के निर्माण कार्य साफ सफाई मेंटेनेंस है, लगभग आखिरी क्षण तक पूरा हो गया है। कुछ बाकी है तो शिवरात्रि की बात करेंगे। रही महाशिवरात्रि की बात, तो आज 17 तारीख है और आज सुबह से ही त्रयोदशी का व्रत मनाया जाता है और शिवरात्रि का महापर्व दिन निकलते ही शुरू हो चुका है। भक्त लोग सभी शिवालयों में जाके भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। आपके पीछे भी है गंगाधर, इनका भी अभी पूजन हुआ है और टपकेश्वर भगवान का तो भक्त लोग रोज ही संख्या में पूजन करते हैं, लेकिन शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। तो शिवरात्रि के रोज भगवान शिव का पूजन, बड़े बड़े शिवालय में तो हर कोई जाता है, लाइन लग जाती है, लेकिन सभी भक्तों से को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि जंगल में कि ऐसी कोई जगह होती है कि जहाँ पे कोई भक्त पहुँच नहीं सकता, कोई शिवलिंग पड़ा हुआ है वहाँ, तो उस जगह जाके कोई भी भक्त को जाके वहाँ पे एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, एक दीपक जलाना चाहिए तो कई सौ गुना हजारों गुना रुद्राभिषेक का उसे शिवरात्रि का फल प्राप्त होता है, क्योंकि टपकेश्वर तो पूरी दुनिया आएगी, इन्हें संभालते संभालते हम लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन जंगल में कोई निर्जन जगह में कोई ऐसा शिवलिंग होता है जहाँ कोई नहीं पहुँचता, उस जगह पे भी जाके जल चढ़ाना चाहिए। यानी शिवलिंग पे हर भक्त को जल चढ़ाना चाहिए, भले पूरे साल भर वो कुछ भी कर्म करता है, मंदिर नहीं जाता है, लेकिन मनुष्य होने के नाते और मनुष्य का धर्म का पालन करते हुए उसने शिवालय में जाना चाहिए और भगवान शिव को जल अर्पण करना चाहिए, तभी उसका जो तो जीवन सफल होता है और अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। और आज रात्रि 12 बजे मंदिर की ओर से रुद्र महाभिषेक होगा और 12:30 बजे आरती के बाद भक्तों के लिए गेट खोल दिए जाएंगे। बाद में ये जो लाइन चलेगी आज रात्रि की, तो कल रात्रि करीबन 10-10:30 बजे थोड़ी सी भीड़ थम जाएगी, उसके बाद हम लोग आरती करेंगे और बाद में फिर से भक्त लोगों की लाइन चलेगी। 12-12:30 बजे तक भक्त लोग जल चढ़ाएंगे और उसके बाद कुछ और भी भक्त लोग होते हैं जो कई लोग ध्यान भी करते हैं और रात्रि जो तो भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। पूरी रात्रि कल भी चलता रहेगा क्रम, आज रात्रि पूरी जाएगी और कल की रात्रि भी इसी में जाएगी। मेले का आयोजन किया गया है, दूध का लंगर भी है टपकेश्वर महादेव सेवा दल की ओर से, सभी भक्तों के सहयोग से एक दूध का लंगर भी चलाया जाता है। केसरयुक्त दूध का भोग लगाया जाता है, 21 क्विंटल दूध का भोग लगाया जाएगा और वो रात्रि में जो भी भक्त जल चढ़ा के पीछे की ओर ऊपर जाएगा और अपना दूध का एक प्रसाद ग्रहण कर लेगा, क्योंकि सर्दी होती है, ठंड भी होती है, थकान भी हो जाती है, तो उनके लिए दूध का प्रसाद रखा जाता है। और भी भक्त लोग आएंगे, भंडारे करेंगे, शिवरात्रि के मेले का भी आनंद लेंगे, भगवान का जय जयकार भी होगा और टपकेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार क्षेत्र में ये भी एक सबसे बड़ा एक शिवधाम कहलाता है और ये स्वयं भी शिवलिंग है, द्रोण तपस्थली है, अश्वस्थामा की जन्मस्थली है, देवताओं की ध्यानस्थली है। पहले कभी जिस दौरान देवता लोग इस देवभूमि पर जागृत अवस्था में रमण भ्रमण किया करते थे, उस दौरान देवता लोग भी इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान किया करते थे और शिवरात्रि भी मनाया करते थे, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत देवता लोग तो करते ही है, लेकिन माँ भगवती पार्वती और भगवान शंकर भी इस व्रत को करते हैं, तो मनुष्य के भी इस व्रत को जेतो करना चाहिए, विशेष करके स्त्रियों को भी ये करना चाहिए। और ये व्रत होने के बाद ये अश्वत्थामा का जन्मस्थान भी, क्योंकि इस स्थान का तो जितना भी गुणगान करें इतना कम है और ये 6,500 साल पुराना है और ये पूर्ण रूप से स्थान ये स्वयं हुए शिवलिंग तो स्वयं हुए, क्योंकि गुफाएं भी प्राकृतिक रूप से बनी हुई। तो आप लोग भी आइए शिवरात्रि के मेले में और टपकेश्वर महाराज को एक लोटा जल चढ़ाइए, वही आपका रुद्र महाभिषेक कहलाएगा और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेगा।